पिछले दिनों विदर्भ के कई इलाकों में तूफानी बारिश के कारण बाढ़ आई थी, जिसमें बुलढाणा जिले के जलगांव जामोद में बाढ़ से तकरीबन 45 से 50 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जबकि लगभग 300 घरों में पानी घुसने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इस आपदा से बहुत से लोग घर से बेघर हो गए हैं, जिसकी वजह से आज इनके घरों में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। स्थिति को देखते हुए अकोला की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित रोटी बैंक से बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया गया और जरूरतमंद लोगों की उनके घर पहुंचकर मदद की गई। हाल ही में रोटी बैंक की टीम जलगांव जामोद पहुंची और दौरा करने के बाद लगभग 100 घरों में नकद राशि कुल 2 लाख रुपए, 25 राशन किट जिसमें गेहूं, चावल, तेल, चाय पत्ती, दाल आदि खाने की वस्तुओं सहित कपड़े जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाए गए। भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव जामुन शहर के अंदर रोटी बैंक का खोला इनकी जानिब से एक रिलीफ कैंप लगाया गया था जो मदरसा कासिमुल उलूम में कायम हुआ और ये हजरात अल्लाह इन हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए कि ये हजरात यहाँ आए। इन्होंने बस्ती का सर्वे किया और वो सर्वे करने के बाद भी वाकईतन जो मुस्तहकीन थे, जिनको रकम की ज़रूरत थी, अनाज की ज़रूरत थी, उन तक उन चीज़ों को पहुंचाया गया। अल्लाह ताउन करने वालों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए और बेहतरीन दुनिया और आखिरत में नेमल बदल अता फरमाए। इस राहत कार्य में जलगांव जामुद के मौलाना अकबर हाशमी, मोइन भाई और इनकी पूरी टीम ने रोटी बैंक के सदस्यों का भरपूर साथ दिया। इस राहत कार्य के अवसर पर रोटी बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर जुबैर नदीम सहित डॉक्टर मुजाहिद अहमद, रियाज अहमद खान, सैयद मोहसिन अली, राहिल अफसर, समीर खान, मोहम्मद समी, उस्मान भाई और अजहर भाई उपस्थित थे। मिशन न्यूज के लिए बुलढाणा से असगर खान की रिपोर्ट।